Hey guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good and are safe. And I'm vlogging today because I'm going to Pushkar with my colleagues again. And अभी बज रहे हैं सुबह के 5 and I have to leave now. I have to meet Paras first and then we together will go to the common spot that we have decided to meet on. और या अभी के लिए मुझे पीयूष और पापा दोनों वहाँ तक छोड़ने वाले हैं. So I just have to put my lenses on and फिर बस मैं निकलने वाली हूँ. So yeah, this is the update for now. My bag is also ready and I have also put my lenses on, so I'm ready to go now. So finally अब मैं निकल रही हूँ बाहर. बहुत अंधेरा हो रखा है इतनी सुबह सुबह. और पीयूष और मम्मी जा रहे हैं मुझे वहाँ तक ड्रॉप करने. पता नहीं ये प्लान में कब चेंज हुआ मुझे नहीं पता, बट अभी पता लगा. गाड़ी कितनी अजीब लग रही है ना, वो हटा दिए तो मस्त लग रही है. गुड मॉर्निंग. पहुंच के बता देना. आगे बैठो शिवानी. मैं पीछे बैठूं? नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे. इसको खड़े हो जाएंगे क्या? निकल हम यहाँ से निकल रहे तो आ जा पीछे पीछे. बस हमें निकल रहे यहाँ से तो सीधा निकल जा पीछे पीछे आ जाए. अच्छा मैं तो ढाबा खड़ा है क्या? तो मैं मेन मेन गेट के आगे खड़ा हुआ. चाय तो चाय पीनी क्या? ना नहीं चाय नहीं पीनी. बात आगे पी. शिवानी ने बदला लिया पिछली बार का. डेविड बॉय है कि बॉय है? मेरे को लग रहा है डेविड बॉय के ऊपर. तुम बताओ हेलो.
माने सर कहते मैं बोल ब्रेकफास्ट के लिए कितना किलोमीटर है अभी यहाँ से? अभी तो है 4 घंटे और 4-5 घंटे है। 2 बजे ही पहुँचे अभी तो फॉरन ही हुए हैं। हाँ मतलब जस्ट आस्क तो सो जाना, पर ध्यान रखना बीच में उतर रहना लेंसेज की वजह से। क्यों? लेंसेज में सोते नहीं है लंबे टाइम के लिए। सही में? हाँ। क्या हो जाता है? लेंस अंदर चले जाएगा ना आई के। अगर तो मुझे पता नहीं था, अगर लग रहा है कि सोना है तो अभी उतार लो यहीं पे। नहीं मुझे सोना नहीं पक्का ना, थोड़ी देर सो सकते। थोड़ी में तो कुछ, हाँ थोड़ी देर में कुछ नहीं, लंबे टाइम के लिए बस फोकल में उठा दूंगी कि लेंसेज पहने चले। चलो फोटो खींच रही है। चाय ब्रेक और ये सेकंड ब्रेक है, ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद अब रुक रहे हैं। आई थिंक 2 बजे तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए पुष्कर अपने रिजॉर्ट। ओके लेट्स सी। उसको जगह तो दो डिक्की खोलने की। अरे रुको उसको डिक्की खोलने की जगह तो दो। डिक्की नहीं खोलनी उसको, नहीं खोलनी। लग रहा है काइंड ऑफ पर्सन उसको खोलनी। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। उतना तो उसने वेलकम नहीं बोला जितना इंदर ने थैंक यू। मैंने मैंने खिड़की खोली की तो बोले कमांगनी कमांगनी।
वी हैव रीच्ड आफ्टर 8 आवर्स ऑफ ड्राइव और 2:30 बज रहे हैं. हम चेक इन कर रहे हैं. कौन सा लगेगा आपका? 21 ताकि बाद में देख सके. देख कोई नहीं रहा. ताकि बाद में देख सके सौरभ. बाद में नहीं, जो आगे देखते हैं वो देखता है. 109 ये आ गया. 109 मैडम उतरो. कौन सा वाला भी देखता है ये राइट वाला कॉर्नर है. आपका सही आगे. हां आपका सही आगे 10 नंबर पर है. हां सर 10 मतलब कि 5 है ना. अच्छा 10 नंबर आपका लगे बता दीजिए. मैं 109 का एक ही आगे भी है जी. मैम ये वाला ये भी है. ये अरे हाँ एक ये है. एक ये है. ये वाला हाँ जी. और एक ही बैग है बस भैया. ये बस है तो आप ले. मैं सारी निकलवा रही थी. बस मेरे पास है तो हमने अपने पास रखो संभाल के. क्या फिर तुम अपनी इधर डाल दो. तो मैंने अपनी चाबी में रखी थी. Such a lovely room. सो गाइज हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में और अब मैं आपको दे देती हूँ रूम टूर. और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और अंदर जकूजी भी है तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. सो लेट्स गो. सो वंस यू एंटर राइट में आपको मिल जाता है बेडरूम और बहुत ज़्यादा प्रीटी है. देखो जस्ट लुक एट द ब्यूटी. ओके देन वी हैव अ व्यू. सो यहाँ से यू कैन एक्चुअली गो आउट. ये बंद है बट आई विल शो यू लेटर. सो यहाँ पर हम लोग चिल कर सकते हैं. देन आई विल शो यू द रियल थिंग नाउ. हियर वी हैव सम लगेज रूम एंड नाउ कम्स द बाथरूम. सो दिस इज मी एंड ये है हमारा शावर एरिया. ओके एंड देन हियर कम्स द मेन पार्ट विच इज़ द जकूजी. And I'm really very excited to go in this. Okay, see. We have the bathrobes here and here is the jacuzzi. All lighting. I have to charge my phone क्योंकि power बिल्कुल भी नहीं है अब इसमें. Then I'll shoot further.
ओके सो वी हैव अ मिरर हियर एज वेल और ये काफ़ी मतलब फुल लेंथ मिरर है तो मैंने अब देखा है. वी हैव ऑर्डर्ड लंच एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट. इसका जो लॉक है रूम का वो उल्टा नहीं है. यूजुअली हम इस तरफ खोलते हैं और इस तरफ बंद हो रहा है. सो हमने एक्स्ट्रा कंफर्टर भी मंगवा लिया. वी आर वेटिंग फॉर आवर लंच. लंच एंड उस वक्त आई वॉज क्वाइट स्लीपी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी. मैंने लेंसेज भी निकाल दिए बट देन मेरी नींद उठ गई एंड नाउ आई थिंक आई शुड गेट रेडी एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी एंड आई विल ऑल्सो शो यू हाउ द प्रॉपर्टी लुक्स एंड मैं खुद भी देखने वाली हूँ. सो लेट्स गेट रेडी नाउ. ओके फाइनली आई गॉट रेडी एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग एंड नाउ आई हैव टू गो आउट एंड सी व्हाट अदर्स आर डूइंग. सो या लेट्स गो आउट. कूल wear my shoes quickly. So pretty. Looks pretty. All are sitting at the pool side. Pool side पे चलते हैं. Sorry guys, मैं pool side होके भी आ गई पर मैं record करना भूल गई तो कल pool side का व्यू आपको कल देखने को मिलेगा. और अभी के लिए lights on हो चुकी हैं तो वो व्यू दिखा देती हूँ. चुपचाप कमरे में जा रहा क्योंकि हम उनको कोई परेशान थोड़ी कर रहे हैं मंकीज़ को. तो मेरे को रिकॉर्ड मत कर इस टाइम पे. मैं करूँगी. दैट इज नॉट फेयर. चार मत छोड़ना जा रहा है. तो एक रिकॉर्ड कर जा रही हो. ये सब व्लॉग में डाल दोगे. यही तो कंटेंट है. That is not fair. I am not looking into a vlog. अब तो हो गया जो बना था. Wow, यहाँ क्या लाइटिंग है. पीछे से बंद हो रहेगा फोन लेके चला जाएगा कि कितना सेल्फी. हमारे हमें पता चले कि हमारे इसके पास कोई बिल्ली भी है. एंड वी हैव रीच्ड आवर रूम. मैं रूम से निकली थी पूल साइड जाने के लिए और मैंने वही व्लॉग नहीं किया. वेरी नाइस फ्रेंड. एंड गाइस वी आर बैक. सो गाइस नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर. मून दिख रहा है ऐसे. हाँ पर तारे तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहे. इंदर से पूछो. मैं कह रही हूँ तारे तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहे. तारे नहीं दिख रहे.
दिख रहे हैं। मेरा आईफोन कैच नहीं कर पा रहा। हाँ चांद तो दिख रहा है। हाँ सुबह भी दिख रहा था। हाँ वहाँ नहीं दिख रहे थे। मैं तो जब आई तो पूरा उधर रिसेप्शन से घूम के, मुझे ये वाला रास्ता ही नहीं पता था। मैंने अभी घूमा भी नहीं है, मुझे कल घूमना पड़ेगा। हमने भी ऐसे ही राउंड मारा है, पर नीचे एक्टिविटी हो गई, वहाँ जा सकते कल। सो दिस इज द पूल एरिया जो मैं शूट करना भूल गई थी। गाइस अब हम डिनर करने आए हैं गाइस। दो जने रूम नंबर 2 पे। सारे हो जाएंगे ना, कुछ नहीं होता। और भी सही है यार, रिटायर रिटायर कर। मेरे को लगा आपको मिलती है भैया, कम से कम 5-7 स्कूल तो आता है। तो 10-8 नहीं करते। अरे करो, मैं वैसे भी कुछ है नहीं खाने। तेरा भाई सब भाई वो कुछ है नहीं खाने को। मैं रोटी के बिना नहीं खाऊंगा। और लाल मांस नहीं है यहाँ पे। कौन कह रहा है लाल मांस अच्छा कहता है? स्पेशल ओकेजन से बनाते हैं। मैंने कहा कल स्पेशल ओकेजन है कि नहीं, कहता पूछ लो। मेन्यू में था, मेन्यू में है। हां मैं देखा पर नहीं है। कहता हम स्पेशल ओकेजन से बनाते हैं। जीरा प्याज नहीं है यार, और बुफे में नहीं बनाते। वेरी डिसअपॉइंटमेंट यार। या कीरा प्याज कैसे होगा? थोड़ा वो 7-10 बजे आया। आई थिंक हम वहां बैठे जो खा रहे थे वो ज्यादा अच्छा था। अरे नॉन वेज के 3 आइटम्स बस, बटर नहीं। पास्ता भी जो तो ये फ्लाइट पास्ता है डिफरेंट टाइप का। मदर्स ने की चालू की है कंपनी, स्नो फार्म। उसके मतलब वो प्योर वो होते हैं, मतलब हेल्दी। So we had our dinner as well and खाना अच्छा नहीं था, to be very honest. Expected नहीं था कि इतना बुरा होगा, but actually it was very bad. And ऐसा हो सकता है कि it's just a bad day, और रोज़ ऐसा नहीं होता होगा, तो वो तो कल ही पता लगेगा. But yeah, for today it was not that great. And yeah, I think I should end this vlog here. I'll see you guys tomorrow with a new vlog. Till then, bye, take care. I'm shooting this outro in the washroom because of the lighting, because it is so good here. Yeah, anyways, this is the final goodbye now.